जब श्रीलंका के खिलाफ आया सूर्य कुमार यादव का तूफान और खेल डाली 112 रनों की तूफानी पारी और जड़ दिए 9 गगनचुंबी छक्के, भारत ने श्रीलंका को 91 रनों से हराया। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को अपना अगला मुकाबला श्रीलंका से खेलना होगा। उससे पहले जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी देखने को मिली। श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार ने अपने बल्ले की चमक बिखेरी। दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रनों का लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा। टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ईशान किशन 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं शुभमन गिल ने 36 गेंदों में 46 रन बनाए। टीम इंडिया की खराब शुरुआत के बाद मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंदों में ही अपना शतक पूरा किया और 51 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेलकर न केवल टीम इंडिया की पारी को संभाला बल्कि उसे अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी में 7 चौके और 9 छक्के लगाए, जिसके चलते टीम इंडिया 228 रन बोर्ड पर लगा पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 137 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और 91 रनों से मुकाबले को हार गई। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।